नगर पालिका संगरिया अध्यक्ष व ईओ की तानाशाही के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना। इनकी मांग है निविदा प्रक्रिया 1564 को निरस्त किया जाए और दूसरी मांग ये है कि टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अखबार के माध्यम से सार्वजनिक हो ताकि कोई योग्य व्यक्ति वंचित न हो। और यहाँ पे दो लोग धरने पे बैठे हैं और यहाँ मैं बात करने आया हूँ इनसे, किस विषय में आपका ये धरना है और क्या मांगे हैं और क्या प्रकरण है? मैं जितेंद्र सिंह, प्रकरण हमारा ये है कि जो निविदा निकाली गई थी वो अखबार में नहीं थी, टेंडर गुपचुप हो रहे थे। हमने बार बार निवेदन किया राम रैन जी से और पूछा गया अभी टेंडर कब हो रहे हैं। आप क्या पूर्व में भी ये टेंडर लेते रहे हैं? हाँ, पूर्व में टेंडर लेता रहा हूँ। तो क्या इसकी सूचना आपको किस माध्यम से मिली या कैसे आपको इसकी? अखबार के अंदर हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर सभी में निकलती थी विज्ञप्ति। अच्छा। और हमारे को सूचना मिल जाती और हम आके यहाँ से टेंडर कॉपी मिलती थी। हाँ। और अब की बार क्या हुआ कि अखबार में न निकलते हुई राम नरेन ने वो क्या गुपचुप टेंडर कराने के लिए किसी को विज्ञप्ति अखबार में नहीं दी थी और अच्छा, उसी के कारण ये सारा घपलाबाजी हो रहा था। और हमने क्या किया कि जब ये हम 10 तारीख को यहाँ आए पता करने आए भी, पता करने आए भी टेंडर है। रामनारायण जी कहते हैं कि ऑनलाइन है जबकि टेंडर ऑफलाइन थे। फिर हमने पूछा भी सूचना पट पे देखा तो उस पर सूचना पट पे कोई अपने इसके विज्ञप्ति के बारे में कोई सूचना नहीं थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो आपका विरोध था वो एक जो गुपचुप निविदा हो रही थी उसके बारे में था। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये फिर उसके बाद में आप अध्यक्ष जी से मिले तो वहाँ आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला? उसके बाद में क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा कंपेन चलाई हुई थी और ऑनलाइन थी। हम पूछा कि वीडियो नहीं है और अरविंद जी नहीं है। हाँ, जो उस वीडियो में दिखाई दे रहा है अभी, आप ये दर्शाना चाहते थे कि मौके पे जब आप पता करने आए तब कोई नहीं था। हाँ, और टेंडर का टाइम निकल रहा था। टेंडर का हमारे घबराहट हो गई, हम काम के लिए आए थे, काम चाहिए, बेरोजगार थे भी काम मिले। बिल्कुल। उसके बाद में क्या हुआ कि 12:15 बजे हमारे सुखवीर जी, चेयरमैन पर्सन जी आए और हमारे को जब हमने देखा भी भाई साहब आए, खुशी की लहर दौड़ गई कि हमने सोचा कि भाई साहब आए हैं, अब अपना टेंडर यानी कि मार्क हो जाएगा, कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद में क्या हुआ, जब हम चेयरपर्सन के कमरे में गए और कमरे में जाते ही उन्होंने हमारे को बोला कि क्या बात है, हम आपको उड़ा दूंगा, मैं आपको उड़ा दूंगा और आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। हमने पूछा चेयरमैन साहब जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्या बात है? हो सकता है जो आपने वो लाइव किया या उससे भी नाराज हो गए होंगे। देखो, लोकतंत्र पंचतंत्र का अधिकार है, लाइव हमने किया था तो उसके अंदर अगर नाराजगी थी तो मैं ये नहीं कहता। तो 20 आदमियों में उन्होंने धमकी दिया और हमारे को चोर कहा। तो आपको इस बात का ज़्यादा खेद है, तभी आप आगे अधिकारियों को एक ज्ञापन भी दे के आए, मिल के भी आए। हमने क्या है कि वाणी से हमारे को घायल कर दिया। घाटी से। हाँ। आपको एक इस बात का, उनकी बातों का आघात लगा। अगर ये जो आपने इसमें लिखी हुई है बातें, ये दोनों शर्तें आपकी मंजूर कर लेंगे तो आप धरना समाप्त कर देंगे? नहीं, हम विचार करेंगे। बिल्कुल, हम विचार करेंगे। हमारे ऊपर राज्य कार्य में बाधा डाली हुई है ना, वो झूठा केस बनाया है, ठीक है। सारी हम विचार करके हम ये सोचेंगे, चलो ठीक है, वो चल के आएगा तो हम, यानी कि वो कहने का मतलब है एक कदम आएगा, हम 2 कदम चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो शो करेंगे तो आप शो करोगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं गिरधर दास और वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ, वर्तमान नगर पालिका संग्रह मंडी का लाइट का ठेकेदार हूँ, कॉन्ट्रेक्टर हूँ मैं, और पूर्व में मैं कॉन्ट्रेक्टर का काम करता हूँ। आज 20 साल से मैं कॉन्ट्रेक्टर का काम कर रहा हूँ। मेरे टेंडर सभी जगह चलते हैं, लगभग बिजली बोर्ड के भी चलते हैं, कृषि मंडी के भी चलते हैं, नगर पालिका समिति के भी चलते हैं।
लेकिन इस बार जो घोटाला हुआ वो बहुत खेद है। इस बार टेंडर से 10 दिन पूर्व किसी भी अखबार में किसी भी नोटिस बोर्ड में ये नहीं लगाया गया कि 19 टेंडर नगर पालिका में होने जा रहे हैं। हमने बार बार रामनारायण जी पूछा, सर इस साल आगामी 2021-22 का टेंडर कब है सर और वो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन होगा इस बार और तारीख कोई निश्चित नहीं है, हो जाए 10 को हो जाए 11 को हो जाए, यह भी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये तो कन्फर्म है 10-11 तारीख का है टेंडर। आपको जो टेंडर की प्रक्रिया अपनाई उससे एक पीड़ा है और आपको एक एक अधिकार जो मिला हुआ है एक नागरिक के तौर पे, उसकी पालना नहीं हुई है, तो आप इसी संदर्भ में धरने पे बैठे। जी जी, मैं सभी तरह के लाइसेंस है मेरे पास, ए श्रेणी का, बी श्रेणी का, सी श्रेणी का, डी श्रेणी का, चारों लाइसेंस रखता हूँ मैं, इंटरेस्ट लेवल का ठेकेदार हूँ मैं। और मेरे को सबसे बड़ा दुख यह हुआ कि इन्होंने क्या किया कि जब मैं टेंडर की प्रक्रिया के बारे में पूछने के लिए 10 बजे है, 10 तारीख की घटना है, तो उस टाइम देखा मैं ईओ साहब पुरुषोत्तम जैन साहब नहीं थे यहाँ पे, उनके रूम पे ताला लगा हुआ था। 10:30 बजे तक मैं देखता रहा, इधर उधर घूमता रहा, ताला लगा हुआ था। नोटिस बोर्ड पे मैंने टेंडर संबंधित देखा, उस नोटिस बोर्ड पे कोई टेंडर की सूचना नहीं थी। मैंने कोई मिस्टेक नहीं, डेमोक्रेसी में बोलने का सबको अधिकार, राइट टू में बोलने का सबका अधिकार है। मैंने तो ये थे इनका हमने पक्ष जाना, और नगर पालिका के अध्यक्ष और अन्य कोई लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो अभी तो नहीं है, उनसे भी वार्ता की जाएगी। और इस तरीके से नागरिकों के जो अधिकार हैं, इनका कहना है कि उनसे वंचित रखा जा रहा है और इसलिए इन्होंने धरना लगाया है।